नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं एक नई अनाउंसमेंट की। और आपको बता दे, अब पबजी की तरह ही भारत का एक खुद का गेम लॉन्च किया जा रहा है। इस गेम का नाम रखा जाएगा फौजी। और आपको बता दे, इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी जारी किया गया है ट्विटर पर अक्षय कुमार द्वारा। उस पोस्टर की कुछ बात आपको बताएंगे, साथ इस गेम में क्या हो सकता है। अभी फिलहाल ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उस गेम में क्या क्या हो सकता है हम आपको बताएंगे, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उन सभी के अनुसार। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिए। और अगर आपको इस गेम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप भी इस बात के साथ खुश है कि अपने देश का एक नया गेम आने जा रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ नया सामने आ रहा है इस गेम के बारे में और क्या कहा है इस गेम को लेकर अक्षय कुमार ने। तो अक्षय कुमार ने आत्मनिर्भर मिशन के तहत एक नए गेम लॉन्च करने की बात करी है। आपको बता दें, इस गेम का नाम रखा जाएगा फौजी। स्पेलिंग होगी FAUG, फौजी। अब फौजी गेम को पबजी की तरह बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज एक ऑफिशियल पोस्टर जारी किया गया, पोस्टर आपके सामने। ट्वीट करते हुए अक्षय कुमार ने जानकारी दी है कि इसका 20% हिस्सा, यानी कि कमाई का 20% हिस्सा वीर ट्रस्ट को जाएगा। ये अच्छी बात है कि हमारे सैनिकों के लिए पैसा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या भारत सरकार एक पबजी जैसा गेम बना सकती है? आपको बता दें, इससे पहले भी कुछ गेम सरकार की ओर से लॉन्च किए गए थे, लेकिन उन सारे गेम्स को अपार असफलता मिली। और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इस बार पूरी कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें, आज एक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में जो इमेज दिख रही है, इसका जब हमने क्रॉस सर्च किया तो हमने पाया कि ये इमेज पहले से ही एक इमेज शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इस इमेज को लिया गया, फिल्टर डाले गए और उसको फिर से नए तौर से सामने पेश किया गया, यानी कि पुराने इमेज को नया इमेज बनाकर सामने दर्शाया गया। इमेज पुरानी थी, गेम नया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिलहाल तो सिर्फ घोषणा हुई है, कितने समय के बाद ये गेम आता है। और उससे पहले कई और कंट्रीज, कई और डेवलपर्स भी बीच में आ सकते हैं, जो अपनी ओर से बैटल रॉयल और बैटल ग्राउंड कुछ नए गेम्स अपलोड कर दे और उसकी वजह से उन्हें डाउनलोड्स मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में फौजी को कोई भी सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि उससे पहले अगर बैटल रॉयल गेम आ जाए तो। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस गेम को अगर प्ले स्टोर पर लाया जाए तो हो सकता है इसे भी सफलता मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके ग्राफिक्स। पिछली बार जो ऐप लॉन्च किए गए थे उनमें ग्राफिक्स बिल्कुल सही नहीं थे और इसी वजह से असफलता मिली थी उन गेम्स को। आपको बता दें, वो गेम्स गवर्नमेंट की ओर से बनाए गए थे, लेकिन उनके बाद भी उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली थी। अब देखना यह है कि फौजी गेम को सफलता मिलती है या फिर नहीं। अगर मिलती है तो यह अच्छी बात होगी कि हमारे देश का खुद का गेम होगा और उसका 20% हिस्सा भी हमारे सैनिकों को जाएगा। इसलिए ये अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी कि ऐसा कोई गेम हमारा देश खुद बना सके। क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि पबजी गेम के जो ग्राफिक्स थे वो बहुत शानदार थे, और वैसा गेम बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और देखना यह है कि क्या अक्षय कुमार के इस घोषणा के बाद कोई ऐसा ऐप बन सकता है, कोई ऐसा गेम बन सकता है या फिर नहीं। समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।